नमस्कार, दैनिक शिवचाय में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। कहते हैं मिठड़ी है डोगरे दी बोली ते खंड मिठे लोग डोगरे। जम्मू की बात करें डुगर प्रदेश है, हमारे राजाओं महाराजों की देन है, पर कहीं ना कहीं हाँ आज डोगरी भाषा जो हमारी मातृभाषा है कहीं ना कहीं लुप्त होती नजर आ रही है। पर फिर भी कहेंगे समाज के उन युवाओं को कि जिन्होंने कोशिश की है कि उसी भाषा को, हमारी डोगरी भाषा को प्रमोट करने की, यही नहीं बल्कि बाहर भी। इस समय आज यहाँ पर प्रेस क्लब में एक डोगरी एल्बम का जो कि पोस्टर लॉन्च हुआ आदता, उसी के हमारे साथ ये आर्टिस्ट और साथ साथ जोरावर सर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम रोहित सिंह भाऊ है और मेरा आर्टिस्ट नेम भाऊ है। भाऊ सर, सबसे पहले आपको कांग्रेचुलेशन कि आपने डोगरी भाषा को प्रमोट किया और आदतें जो पोस्टर लॉन्च किया, क्या है इसका पूरा आप बताइए हमें इसके। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आदता देखो मेरे अपना जो सफर रहा है जिंदगी का उसके बारे में मैंने लिखी है, पर डोगरी भाषा का मैं इस्तेमाल करता था। और पहले तो मैं गिटारिस्ट था छड़ा, तो उसके बाद मैं गाना भी शुरू किया, तो मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ी, तो पढ़ने के बाद मैं चली गया बैंगलोर म्यूजिक परस्यू करने वास्ते, बगैर किसी जानी किसी की जानी है, उससे मैं किसी की जानता नहीं कहा, यहाँ चली पे तो उत्थे जाइए। फिर मैं अपना म्यूजिक का सफर शुरू किया, फिर मैं सोचा कि चल हिंदी से गाने सारे लोग बना दें, इंग्लिश से बना दें, तो हूँ डोगरी से करचे, तो डोगरी से कोई करा दा नहीं। हाँ मैं करा दे, लोग करा दें, पर डोगरी च एक इंटरनेशनल लेवल उपर जो करंट टाइम्स च म्यूजिक चला दा उदे उपर डोगरी लिरिक्स ते कन्ने पूरी पूरी एक कंपाइल एल्बम होनी चाहिए थी, ते उसी ना बड़े शैल तरीके कन्ने प्रेजेंट करना बड़ा ही जरूरी है। ते मैं वो इनिशिएटिव लेता, फिर बल्ले बल्ले बाकी रियासतें ने लोकें ने बड़ा मी सराया, ते बाहर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म उपर भी मिगी थोड़ी थोड़ी मिगी कुछ फेम थोन शुरू हुई थी। फिर उदे बाद में दिखेया कि ये चला था, फिर रोलिंग स्टोन जेड़ी दुनिया की सब तो वड्डी मैगजीन है कल्चर दे लिए, उदे उपर मेरा आर्टिकल आई है। तो फिर मैं सोचा कि देख बाहर तो चला था सारा कम चला था, पर इत्थे जेड़ी सारी जम्मू की जनता है उन्हें पता लगना चाहिए, उन्हें उनका सपोर्ट मेरे लिए सब तो जरूरी है। तो उदे वो ही करिए फिर मैं इंदे कने मिलिया, जोरावर जी कने मिलिया, फिर मैं जोरावर सिंह जनरल जोरावर सिंह ट्रस्टी कने मिलिया, ते उन्हें आख्या कि इत्थे अस एक फॉर्मल इवेंट करगे ते जिदे उपर तुंदी एल्बम फॉर्मली लॉन्च करगे, ते अज उदे आस्ते गे आए ने, ते बड़ा शाल लगा था, ते द रिस्पॉन्स इज वेरी गुड। और बाबू जी एक से चीज़ पूछने चाहेंगे आपसे कि आर्टिस्ट हमारे जो जम्मू की बात करें कलाकारी से भरे पूरे हैं, यानी कहेंगे पोटेंशियल टैलेंट की कमी नहीं है, पर कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता ऐसे प्लेटफॉर्म अभी भी मुहैया नहीं हो रहे हमारे आर्टिस्ट को जिसके माध्यम से वो जम्मू कश्मीर का नाम बाहर भी जाकर रोशन कर सके? जी आपको लगेगा कि बहुत बारी कि यहाँ के आर्टिस्ट को लगता है कि उनको यहाँ पे जो वैल्यू वैसी मिल नहीं रही, तो वो बाहर मूव आउट कर जाते हैं, तो उससे चक्कर क्या बनता है कि कितने अच्छे अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं जम्मू कश्मीर से, लेकिन वो जम्मू का कम्युनिटी कभी ग्रो नहीं कर पाया, उसकी वजह से जो आर्टिस्टिक कम्युनिटी यहाँ ग्रो नहीं कर पाया। और भाषा जम्मू की डोगरी की बात करेंगे, मेरा मानना ये है कि डोगरी कोई भी भाषा तभी सस्टेन करेगी जब उसका आर्ट और लिटरेचर सस्टेन करेगा, जब उसमें गाने बनेंगे अच्छे, जब उसमें फिल्में बनेंगी अच्छी, जब उसमें लिटरेचर लिखा जाएगा अच्छा। तो मेरी तरफ से तो यही मेरा योगदान रहा। क्या कहेंगे जनता से, क्या मदद चाहते, क्योंकि जनता का फैसला सर माथे पर, जनता ही है जो बड़ी बड़ी सरकारें भी बनाती है गिराती, जनता ही आर्टिस्ट को आसमान भी ले जाती है और नीचे भी लाती है, क्या कहेंगे जनता से? तो बस यही मेरी एक गुजारिश है कि आप यहाँ के जो लोकल आर्टिस्ट हैं उनको ज़रूर सपोर्ट करिएगा, और साथ में आप खुद से एफर्ट लगाइए कि देखिए बड़े सारे आर्टिस्ट पैसे दे के प्रमोशंस नहीं ले सकते, बड़े सारे आर्टिस्ट इंडिपेंडेंट हैं, जैसे मैं ही हम खुद से ये काम करते हैं और हम चाहते हैं कि लोग थोड़ा एफर्ट डाल के ढूंढे, और आप ढूंढोगे तो आपको यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत आर्टिस्ट मिलेंगे। चलिए भाऊ जी हमारी तरफ से हमारे चैनल के माध्यम से विश यू वेरी ऑल द बेस्ट, आप ऐसे ही हमारी मातृभाषा डोगरी को प्रमोट करते जाए, और कहते हैं मिठड़ी है डोगरे दी बोली, सही कहा खंड मिठे लोग डोगरे। जरावर सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे इस तरह के युवा जो आज भी ये एक सोच रखते हैं कि हमारी मातृभाषा कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, उसको आप प्रमोट करना है? देखिए सबसे पहले तो रोहित सिंह भाऊ जो कि एक अपकमिंग हमारे जम्मू कश्मीर के और सन ऑफ द सॉयल जो आर्टिस्ट हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बैकग्राउंड होते हुए भी जो अपना शौक है गायकी की तरफ वो नहीं तोड़ा, और लगभग 11 साल स्ट्रगल करके हिंदी में भी काम किया, और तो और गर्व होता है कि जब डोगरा नौजवान
साउथ इंडियन भाषाओं में, साउथ इंडियन मूवीज़ में भी प्रोजेक्ट लेता है और सक्सेसफुली वहाँ पर काम करता है। बॉलीवुड में कुछ प्रोजेक्ट्स इन पाइपलाइन हों और बड़ी खुशी महसूस होती है। जैसे आपने कहा कि थोड़ा सा दिल में एक टीस ज़रूर होती है कि पिछले 70-75 सालों में जम्मू कश्मीर में हमने कोई यूथ स्पेसिफिक जिस तरीके की पॉलिसी होनी चाहिए, चाहे स्पोर्ट्स जगत हो, आर्टिस्टिक हो, इनको कभी भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला कि जहां पर ये प्रमोट हो सके। और जिसका कारण ये रहा कि जम्मू कश्मीर में और ख़ासकर जम्मू खित्ते में हमारे पास इतना टैलेंट था बच्चे बच्चियों में, लेकिन उनके पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया। रीज़न था कि वो करने के बाद आगे उनका कैरियर नहीं हो सकता, तो ये बहुत बड़ी एक विडंबना रही। लेकिन आज रोहित सिंह भाऊ जैसे नौजवान, हमारे सिद्धार्थ सलाथिया आप देखिए कहाँ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर वो कर रहे हैं, हमारी जम्मू की 6 साल की बच्ची अर्शिया जो कि सोनी लाइव पर आज देखिए क्या परफॉर्म कर रही है, बहुत गर्व महसूस होता है। लेकिन साथ में सरकार से भी हम यही बात करेंगे कि आज अगर आप जम्मू कश्मीर के नौजवानों को देख रहे हैं, स्पोर्ट्स जगत हो, म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स हो, वो कहां कहां पर जाकर अपना टैलेंट दिखा रहे हैं और बाहर के लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की सरकार सोई क्यों पड़ी है? कम से कम उनको कोई यूथ स्पेसिफिक पॉलिसी जो है वो लानी चाहिए। प्लेटफॉर्म जरूर यहां पर बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और इनकरेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। इसी तर्ज पर आपको पता है कि टीम जम्मू एक प्लेटफॉर्म है पूरे जम्मू खित्ते का। एंटी ड्रग्स तो हम काम करते करते हैं, लेकिन जम्मू खित्ते के जो जेन्युइन यूथ के इश्यूज हैं, चाहे उनके एम्प्लॉयमेंट को लेके है, चाहे वो स्पोर्ट्स सेक्टर हो, इवन फाइन आर्ट्स सेक्टर हो, हमारी ये कोशिश रहती है कि टीम जम्मू जो एक प्लेटफॉर्म बने। लेकिन आज के दिन हम स्पेशली थैंकफुल हैं जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टीज, चाहे वो दीक्षा कलूरिया जी है, रिया कलूरिया जी है, उन्होंने भी एक इनिशिएटिव लिया। ऐसा हिडन टैलेंट कहीं अपने अपने इलाकों में ना ही छुपा रह जाए, उसको एक प्लेटफॉर्म देने के लिए हमने एक प्रयास जारी किया है। और आने वाले दिनों में भी जहाँ जहाँ पर हमारे बच्चे या बच्चियाँ इस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाते हैं, हम उनको प्रमोट करेंगे, उनको इनकरेज करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनकी जो बुलंदियां हैं वो यहीं तक सीमित ना रहे बल्कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक। जोरावर से एक महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, जिस तरह से आपने कहा टीम जम्मू जो कि एंटी ड्रग्स पर काम कर रही है, यानी जो बच्चे या युवा ड्रग्स में इन्वॉल्व हो चुके हैं उन पर काम कर रही है, टीम जम्मू किस तरह से उन भटके हुए नौजवानों को उससे मोड़ कर एक नई राह देने की कोशिश कर रही है? देखिए लगभग आज 7 साल हो गए हैं जो टीम जम्मू का अभियान शुरू हुआ था पूरे जम्मू खित्ते में, लेकिन पिछले 14-15 महीनों में कोविड पेंडेमिक के चलते हमें अपनी एक्टिविटीज़ को रोकना पड़ा। अभी भी हमारे सिर्फ जम्मू डिस्ट्रिक्ट और सांबा की बात करें तो 5 फंक्शंस ड्यू हैं जो कि हज़ारों की तादाद में नौजवानों में होना था, लेकिन कोविड के चलते नहीं कर पा रहे हैं। जो यूथ भटका, गलती से ड्रग विक्टिम बना, हमारी एक प्रयास रहा कि उनके माता पिता, उनके फैमिली मेम्बर्स के साथ मिलकर उनको मोटिवेट किया जाए कि आप इनकी गलती को पर्दों में ना छुपाइए, इससे पहले देर हो जाए, इनको इमीडिएटली रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत है, रिहैबिलिटेशन सेंटर की ज़रूरत है। तो हमने कम से कम भी जो भी फैमिली मेम्बर्स हमें हमारे उसमें आए, हमने उन यूथ को जो है वो रिहैबिलिटेट सेंटर्स में डाला और आज उनमें से कई ऐसे नौजवान हैं जो बिल्कुल ठीक होकर आ चुके हैं और मैं समझता हूँ कि एक फिर से मेन स्ट्रीम में वो आकर जो है वो काम कर रहे हैं। जिस तरह रोहित सिंह बाहू की जैसे मैं बात करूँ, ये हमारे एक ब्रांड, इस तरह के नौजवान हमारे ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। ये ना सिर्फ अपनी काबिलियत, आप देखिए बैकग्राउंड भी देखिए कि ये डोगरा कम्युनिटी है, कि इनके फादर जो कि सुपरिटेंडेंट पुलिस थे जम्मू कश्मीर पुलिस में, वो उन्होंने शहादत पाई मिलिटेंसी की कमर तोड़ते हुए, अपने जान की कुर्बानी दे दी, तब शायद रोहित जी और इनके भाई जो है बहुत छोटे होंगे। तो मैं समझता हूँ कि अपने आप में नाज होता है कि हम उस कम्युनिटी के लोग हैं, हम उस खित्ते के लोग हैं जहां कुर्बानियां देना हर घर की कहानी है, लेकिन एट द सेम टाइम जब एक तरफ ऐसे नौजवानों को प्रमोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ जब ड्रग विक्टिम्स को देखते हैं तो दिल में अफसोस होता है। तो ये हमारा जो अभियान है कि जो बेचने वाला है वो किसी का रिश्तेदार, किसी भी धर्म का नहीं हो सकता, और जो गलती से इसमें इन्वॉल्व हो गया है ये हम सब का एज ए सोसाइटी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है कि हम किसी डिपार्टमेंट को कोसने के बजाय हमें खुद क्या कर रहे हैं, खुद कितना काम किया है उस पर ध्यान देना चाहिए, तभी हम अपनी सिविल सोसाइटी से इस ड्रग मिनेंस जैसी नामुराद बीमारी को जो है दूर कर सकते। धन्यवाद जोरावर सर हमारे से जुड़ने के। दोस्तों ये हमारे जम्मू के युवा, टैलेंटेड युवा, जिनका एज एक एल्बम यानी के जो कि पोस्टर एल्बम रिलीज हुआ जिसका नाम है आदतें, और उम्मीद करते हैं जनता ने जिस तरह से हर हमारे जम्मू के आर्टिस्ट को अपना प्यार दिया है।